तो ये आ रहे हैं पूरा पूरा माशाल्लाह से 1000 ग्राम पे चूजा आ रहा है माशाल्लाह से। और अभी और भी देखते हैं भाई कि चूजा क्या आ रहा है। एक ये भी चूजा है, इसको भी रख के देख लेते हैं भाई। और ये आ रहा है 930 ग्राम। ये रहे कैसा पुरतीले में निकल रहा है भाई। तो ये वो देखें माशाल्लाह, खुशी देखें आप। ये देखें तो भाई टेम्परेचर कैसा लग रहा है, आप तो बाहर से होके आ रहे हो। टेम्परेचर बेहतरीन है, अंदर का अच्छी वेंटिलेशन है ये। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। भाईजान आज जो है ना, मैंने जगह भी बढ़ा दी है और लाइसेंस की रैकिंग वगैरह भी करी थी, जो उसमें एडिशन मैंने करना था वो भी किया। पूरा लाइसेंस चेंज नहीं किया, आप ये देख सकते हैं कि पुराना लाइसेंस भी इसमें पड़ा हुआ है। सही है, तो रैकिंग करने का ये फ़ायदा होता है, जो बेसिकली केकिंग बन जाती है ना, उसको हम उठा के फेंक देते हैं और जो बच जाता है, जितना भी अच्छा साफ सुथरा लाइसेंस होता है, भले काला हो गया, जो गीला ना हो, उसको हम रहने देते हैं, उसमें नया एडिशन करते हैं और फिर जो है ना उसको हम लोग जो है यूटिलाइज़ करते हैं। पूरी जगह मैंने कर दी, एक फ़ैन वहाँ पे कर दिया रात के वक्त, ये फ़ैन जो है यहाँ पे बिक रहा है। इसका फ़ायदा ये कि बाहर की जो ठंडी हवा आएगी ना, वो अलग आ रही है, ये फ़ैन अलग स्पीड में हवा दे रहा है, यहाँ तक दे रहा है, और एक फ़ैन जो है ना वहाँ पर चल रहा है। बाकी ये कि जगह माशाल्लाह से कर दी, चूज़ों का साइज़ भी बड़ा हो गया। हारिस भाई साथ मौजूद हैं तो अगेन, और रात में तकरीबन कोई 12-1 बजे का टाइम हो रहा है, टाइम भी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। हरीश भाई क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम भाई, सबको सबसे पहली बात सबको जिलज का चांद मुबारक हो, सही है। और दूसरा, अभी थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं, इसमें बात सही है, लेकिन दूसरा ये है कि मैंने सोचा दोबारा वीडियो बनाते हैं साथ, क्योंकि मैं फ्री था, जब फ्री होता हूँ तब मैं फैस को बोलता हूँ कि भाई आ जाओ वीडियो बना लेते हैं साथ। दूसरा ये है कि रात का टाइम हो रहा है और आप इनकी एक्टिवनेस चेक करें, अभी तो खैर लाइटें खोली हमने, वैसे लाइटें कौन थी, लाइटें मैं ये भी बंद करता हूँ, वो वाली भी बंद करता हूँ, सिर्फ ये वाली जो है ना ये खुली रहती है, ताकि ये कि मैंने आपको बताया था इनको रेस्ट मिलता है, तो ये फौरन जो है ना अटेंशन शुरू कर देते हैं, भागना शुरू कर दिया है इन्होंने। जगह मैंने बढ़ाई है, थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, लेकिन खैर है, गर्मी के हिसाब से बेहतर है। बाकी माशाल्लाह से इतनी ठंडी हवा दे रहा है ना, ये मुझे, मेरा खुद दिल चाह रहा है कि मैं बैठ के सो जाऊँ, स्मेल भी नहीं आ रही इतनी, और बड़ी ठंडी हवा आ रही है, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ। तो अभी जो है ना चूज़ों का वेट भी हम चेक करते हैं कि चूज़ों का वेट क्या आ रहा है। तो चले भाई इंशाल्लाह एक एक करके चेक करके आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं कि भाई क्या वेट बन रहा है, किस हिसाब से बन रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं भाई, मशीन बिल्कुल ज़ीरो है। तो भाई हारिस भाई पकड़ो, कोई भी चूज़ा पकड़ो आप, फिर आप दिखाओ। ये पकड़ रहे हैं भाई हारिस भाई चूज़ा, और अभी देखते हैं हम इनका वेट क्या आता है। मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 1000 के करीब तो पहुँच गया होगा, 900-950। तो ये आ रहे हैं पूरा पूरा माशाल्लाह से 1000 ग्राम पे चूज़ा आ रहा है माशाल्लाह से। और अभी और भी देखते हैं भाई कि चूज़ा क्या आ रहा है। एक ये भी चूज़ा है, इसको भी रख के देख लेते हैं भाई। और ये आ रहा है 930 ग्राम, सही है जी। और अभी ये वाला भी रख के देखते हैं, ये वाला भी कितना आया था, 1000 ग्राम का। 1000 तो ये कि तकरीबन जो है ना ऑन द एवरेज जो है ना 1000 के करीब आ रहा है। अभी एक और पकड़ के आपको दिखा देते हैं भाई कि क्या वेट बन रहा है। नॉर्मल से पकड़ते हैं और इसको रख के, ये यार ऐसा भागते हैं जैसे बनानी क्या कर दिया हो मैंने कोई, देखा ना माशाल्लाह से एडजस्टनेस। और इसका जो वेट आ रहा है ना यार, इसका भी ऑन द एवरेज 1 किलो, ये देख लें, इसका तो माशाल्लाह से ज़्यादा आ रहा है भाई, 1100 ग्राम पे पहुँचा हुआ है। तो ये भी दिखाते हैं, फीमेल है। अब ये देखें कि इस पूरे फ्लॉग में कुछ पीसेस ऐसे होते भी हैं जिनका वेट कम होता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कि हर फ्लॉग में तकरीबन कुछ पीसेस होते हैं जिनका वेट कम होता है, ऐसी है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो भाई यही है कि ये भी ऑन द एवरेज जो है ना, ये आपको 1-2 दिन में किलो पे हो जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं होती। तो माशाल्लाह से आपने देखा कि पहले चूज़ा हमारा 700 था, 750 हुआ, 800 हुआ, और ये 2 दिन के बाद ही डायरेक्ट जो है 1000 के करीब चूज़ा हो गया। ये देख रहे हैं आप माशाल्लाह, ये देखें कैसे तेज़ी में आ रहे हैं ब्रॉयलर माशाल्लाह से, कोई पहचानेगा ये ब्रॉयलर जो है किसने माशाल्लाह। ये देखें कैसा पुरतीले में निकल रहा है भाई। तो ये वो देखें माशाल्लाह, खुशी देखें आप। ये देखें तो भाई टेम्परेचर कैसा लग रहा है, आप तो बाहर से होके आ रहे हो। टेम्परेचर बेहतरीन है, अंदर का अच्छी वेंटिलेशन, ये नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल चिल चल रहा, चिल इनको टेम्परेचर चाहिए भी नहीं होता, इतना टेम्परेचर इनके लिए काफ़ी है। और ये अपना बर्ड जो है ना, अपनी हेल्थ खुद बता रहा है आपको कि ये घूम फिर रहा है, मजे से शोर शराबा कर रहा है, बिल्कुल सुकून से बैठा हूँ। ये भी एक जगह से चिपक विपक के बैठे हैं, सुकून से घूम फिर रहे हैं, एक्टिवनेस आपके सामने बर्ड की, बिल्कुल यही हिसाब किताब है। क्योंकि बाहर से जो है ना हल्की हल्की ठंडी हवा भी आ रही है, फिर ऊपर से जो पंखा लगा हुआ है ना, ये पंखा भी जो है ना ठंडी हवा ही दे रहा है ऑलमोस्ट। या हाँ हाँ, आरिफ भाई कैसी हवा आ रही है यार इसमें, इस पंखे की मजा आ रहा है मतलब। बाकी ये दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें जैसे जैसे दिन करीब आते जा रहे हैं,
ईद के, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई जिन जिन हजरात ने कुर्बानी नहीं करी है और वो चाह रहे हैं कि मंडी पे कोई क्लिप बनाया जाए, नॉर्दर्न बाईपास की मंडी पे कोई जानवर वानवर विजिट करवा के दिखाया जाए, मंडी के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं आपको, तो अगर कोई भाई इंटरेस्टेड वगैरह है वो चाहते हैं कि भाई मंडी का भी क्लिप वगैरह आया, तो भाई आप लाजमी कमेंट करें, इंशाल्लाह एक दो तीन वीडियो मंडी पर भी आ जाएंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर आप लोगों ने चाहा ना आज ही वीडियो अपलोड हो जाएगी, और टाइम क्या हो रहा है थोड़ा सा टाइम दिखाना, सवा बारह का टाइम हो रहा है, टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ भाई ताकि आपको पता चले कि टाइम जो है ना वो ये देखें 12:30 हो रहे हैं, इंशाल्लाह रात में ही अपलोड हो जाएगी, हमें व्यूज़ से मतलब नहीं है भाई कि व्यूज़ आए नहीं आए, तो इंशाल्लाह रात में हो जाएगी या सुबह सुबह हो जाएगी, हम लोग वो उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि हम लोग एक टाइम फिक्स कर लें, जब मौका मिलता है हम अपने जो है ना सहूलियत के हिसाब से जो है ना निकाल के टाइम निकाल के वीडियो एडिट करके अपलोड कर देते हैं, क्योंकि यार काफ़ी चीज़ें जो है ना वो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हमें भी पता है टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, अब तो पेपर भी ख़त्म हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये कि आपके लिए ना टाइम निकाल के चीज़ें बताते रहेंगे। एक भाई ने कमेंट किया था कि ना हमारे मुर्गी जो है ना वो ORS का पानी दे रहे हैं, फिर भी जो है ना वाटर वाली बीट कर रही है, बेसिकली वाटर वाली जो है ना ड्रॉपिंग कर रही है वो, तो देखिए उसमें एक इशू ये होगा कि बर्ड आपका ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी रहा हो, गर्मियों में ये इशू आ जाता है, कोई इतना मसले वाली बात नहीं है, तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, आपने सिंपल क्या करना है कि आपने डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए उसको इलेक्ट्रोलाइट्स दें, उसको ORS वगैरह दें, तो इंशाल्लाह कोई मसले वाली बात नहीं है। बाकी यही है कि माशाल्लाह से एक फैन वहाँ चल रहा है एक फैन यहाँ चल रहा है, तो ऑलमोस्ट ये देख रहे हैं माशाल्लाह से यार कैसे कूद रहे हैं, माशाल्लाह से घूम रहे हैं फिर रहे हैं, ये देखें राइस अक्स से खेल रहे हैं, तो भाई ये देखें भाई माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर माशाल्लाह बोलिएगा, ये देखें तो जितना मैं कर रहा हूँ ना उतना माशाल्लाह से करके दिखा रहा हूँ, तो सामने भी लगे हुए, तो यही है कि भाई माशाल्लाह से जब टेम्परेचर पूरा होता है, जब बर्ड को एनवायरनमेंट अच्छा मिले, फीड अच्छी मिले, तो बट इस तरीके से आपको जो है ना खुशी जो है ना महसूस करवाता है, वरना बर्ड अगर आपके पास एकदम बेटर है ना तो आपको यकीन करें आपको ऐसा लगेगा स्ट्रेस में बैठेंगे। अभी जितने चूजे बैठे हुए ना उनकी ऑलमोस्ट चोंचे बंद है, लेकिन एक आध की चोंचे खुली हुई है, जैसे ये जो है ना ऊपर बैठा हुआ है इसकी चोंचे खुली हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली इसका साइज बड़ा है, और जब ये पूरे एक कंजेस्टेड एरिया से निकल के आ रहा है तो थोड़ा सा इशू तो होगा ही होगा। बाकी आरिफ भाई कोई नई ताजी अपडेट वगैरह आप सुनाए भाई? बाकी भाई मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें जैसा मैं तकरीबन इसके पास ये फ्लॉग पे जो है ना तीसरी या चौथी दफा आऊंगा, मैक्सिमम से ज्यादा मैं नहीं आया इसके बाद इस वाले फ्लॉग पे, दो दिन पहले आए थे ना, बस उससे पहले भी एक दफा ही आया था मैं, दो दिन में क्या भाई बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस है माशाल्लाह उससे भाई, आप लोग भी जरूर माशाल्लाह बोलिएगा। दूसरा ये है कि भाई जो भी बंदा काम अपने शौक से कर रहा है ना, शौक से करेगा, तो भाई जो दिल से करेगा ना और शौक से करेगा उसकी उसको प्रोग्रेस खुद ब खुद नजर आएगी, लेकिन जो ये लाके डालेगा ना कि यार दो पैसे कमाने बिजनेस करना ये लाके डालना इतना निकाल लूंगा महीने का इतना कमा लूंगा, तो देखिए उससे आपको होने को तो हो जाएगा, लेकिन आपका जो एक तरीके से शौक होता है ना वो आपके बिजनेस को कहीं और ही लेके चला जाता है, जो अभी के अभी मैं माशाल्लाह से पैसे के अंदर देख रहा हूँ। तो भाई यही हिसाब किताब है कि हम लोग का शौक है और शौक के लिए ही सारी चीजें कर रहे हैं, मैं हो गया, साद हो गया, हारिस हो गया, वलीद हो गया, तो आपको जब भी हम लोग के घर के अंदर भी पाल रहे हैं चीज़ें, वरना शौक नहीं होता ना यार तो हम नहीं पालते। ईमानदारी से बता रहा हूँ हमारा मोटिव ये भी नहीं है कि हम एक लालच में पड़ गए कि हमें पैसा कमाना है ये वो, तो ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। हाँ हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इससे अर्न भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है अर्न कर रहे हैं, दूसरे भी रिसोर्सेज हैं हमारी, लेकिन ये कि सिर्फ आप लोग को एक मोटिव देना था, आप लोग को बताना था, इससे पहले भी हम लोग काम कर रहे थे, तो ये सबसे पहले तो बातचीत करते हैं ना, मैं अपने शेड का आपको ये भी बता देता हूँ मेरे शेड का कितना बड़ा शेड है, क्योंकि एक भाई ने कमेंट किया हुआ था ताकि उनको पता चल जाए, बेसिकली एक काम करता हूँ ना मैं सामने से दिखाता हूँ, तो देखिए हमारा जो मोटिव है ना वो यही है कि आप लोगों को दिखाऊं कि भाई देखें घर के अंदर भी रेजिडेंशियल एरिया में भी काम हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, तभी देखें इतनी जगह मेरे पास इधर भी बसी हुई है और ये इतना बड़ा मेरा पूरा शेड है, उधर जो सामने जो एक दरवाज़ा लगा हुआ है ना उधर भी जगह है, उधर साइजिंग इशू वाला बर्ड आ जाएगा जब बाद में हम लोग रखेंगे, तो यही है कि अगर आप लोग बोलेंगे इंशाल्लाह तो इसके ऊपर वर्किंग करेंगे बना के देंगे, और यही है कि भाई माशाल्लाह से अब चूजे का रेट जो है ना आपको मैं बता रहा हूँ, जिन लोगों ने चूज़ा डाल दिया तो वो फ़ायदे में है, अब चूजे का रेट जो है ना 130 रुपये का हो गया है भाई, आज का रेट 130 रुपये का आ गया, और बाकी भाई यही है कि आज से चूजे का रेट भी बढ़ने लग गया 130 रुपये का हो गया, और यही है कि माशाल्लाह से आपको पता है कि जब हमने चूज़ा डाला था उस वक्त भी इन्हीं रेटों में था, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा बैक हुआ था, चूज़ा 90 रुपये का आया 85 रुपये का आया, तो वो लोग फ़ायदे में रहे हैं कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन अब जो है ना दोबारा से जो है ना चूज़ा जो है ना शूट मार रहा है, मुर्गी का फार्म रेट जो है ना अगेन मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे रहा हूँ कि भाई माशाल्लाह से मुर्गी का फार्म रेट भी ऊपर जाते जा रहा है, और पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है, पिछले साल इतना गंदा रेट हो गया था मुर्गी का, इस साल माशाल्लाह से रेट जो है ना वो स्टेबल हुआ हुआ है, रेट नीचे नहीं आ रहा,
तो ये है कि भाई जो घर पे काम करना चाह रहे हैं अंदर धुन आप लोग डालें, इसके अंदर जितना बड़ा फ्लॉक डालना है आप डालें, इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा। मुहर्रम की तैयारी करें, मुहर्रम के फ्लॉक तैयार करें, लाजमी आपको फ़ायदा मिलेगा। और एक बात याद रखिएगा, अगर पूरे साल में कभी काम ना करें ना, अगर वो शख्स इस गर्मियों में और ख़ास तौर पर मुहर्रम के सीज़न में काम कर लेना, तो वो मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि वो पैसा जो है ना वो कमाएगा। क्योंकि साफ सी बात है, इसके अंदर ना उसको वैक्सीन की टेंशन रहेगी, ना उसके अंदर इसको कोई एंटीबायोटिक की टेंशन रहेगी, ना इसके अंदर कोई इसको इतनी कोई हाई फाई ब्रूडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। सिंपल सा चूज़ा पलेगा, फ़ैन लगाएं, हर चीज़ करें, वेंटिलेशन अच्छी दें, तो इंशाल्लाह आपके पास चूज़ा अच्छा पलेगा। बाकी हारिश भाई आप रेट के हिसाब से बता दो, आप मार्केट में देख रहे हो, आपने लास्ट टाइम भी आपने चिकन खरीदी थी, रेट आप बताओ दिन ब दिन कम हो रहा है या ऊपर ही जा रहा है? देखें ना कम हो रहा है, सीधी बात मैं आपको बोलूंगा, ना कम हो रहा है ना बढ़ रहा है। मेरे हिसाब से जो है, मैं अभी तक इस हफ्ते में 3 दफ़ा जा चुका हूँ मीट लेने, ना चिकन की बात कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से जो अभी तक मैंने स्टेबल रेट देखा ना, कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 520 से 530 पर रह चुका हूँ। आज का रेट में टू बी ऑनर्स मुझे नहीं पता गया, लेकिन कल परसों तक का जो रेट है ना, कल परसों तक का 520-530 से नीचे नहीं आया। बिल्कुल भाई वही बात है सारी, इसलिए मैंने आपको बताया कि भाई ये देख लें रेट नीचे नहीं आ रहा। मैंने आपको अगेन पहले भी बताया था, रेट माशाल्लाह से स्टेबल हो गया है, और स्टेबल होने की वजह यही है कि माशाल्लाह से डिमांड अच्छी चल रही है। डिमांड क्यों अच्छी चल रही है? ऑब्वियसली जब आपने फ्लॉग ही कम डाले हुए, जब आपने ये सोच के डाल दिया कि यार 200 रुपये का चूज़ा हुआ हुआ था, उस वक्त आपने भरपूर डाल दिया, चूज़ा सस्ता हुआ, आपने बोला बॉयकॉट करो चूज़ा, यही चूज़ा हम 10-20 रुपये में डालेंगे, और आपने फ्लॉग नहीं डाले, तो ऑब्वियसली आप यकीन करें इसमें सिर्फ फ़ायदा उसको होगा जिसने फ्लॉग डाला हुआ है। मुहर्रम के फ्लॉग में ना हर बंदा पैसा कमा रहा होता है, सिवाय चंद लोगों के जो ये सोच रहे होते हैं कि भाई अभी काम करेंगे, जब काम करेंगे, तो इसमें बराए मेहरबानी सोचे ना, काम करने तो लाजमी आप लोग चूज़ा डालें, और इंशाल्लाह पलेगा अच्छे से। अल्लाह ने अगर चाहे ना और आपके नसीब में हुआ, अगर आपने अच्छी एफर्ट दी, तो इंशाल्लाह अच्छे से पलेगा। कुछ एंड में, वीडियो के एंड में कुछ कहना चाह रहे हो भाई? तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर आप काम करना शुरू कर रहे हैं ना, तो भाई दिल से करें, ये नहीं कि आप ला के रख दें और बोले नहीं पल जाएगा, आसान है, कोई मसला नहीं है, देख लूंगा। ये हरकतें करेंगे ना आप, तो यकीन करें ना आपका फिर दिल लगेगा सही है, ना वो चीज़ आपको इतना अच्छा पैसा कमा के देगी। दिल से जो काम आप करेंगे ना, इंशाल्लाह अल्लाह उसमें बेहतरी डालेगा आपके लिए। भाई बस ये चीज़ बड़ी अच्छी बात करिए, चूज़ा जब भी डालें ये सोच ना रखें कि मैं इससे 1,00,000 रुपए कमाऊंगा, मैं इससे 20,000 कमाऊं, मैं इससे 50,000, ये सोच के डालें कि अल्लाह पाक इसके अंदर मेरे को साथ खैरियत से आफियत से निकाले और इसके अंदर बरकत अता फरमाए। ये दो लफ्ज़ जब आप अल्फाज बोलेंगे ना, अगर आपने अल्लाह के सामने ये कह दिया ना कि भाई मुझे इसके अंदर बरकत अता फरमाए और इसको साथ खैरियत से निकाले, मैं आपको इंशाल्लाह मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको इस फ्लॉक में 10,000 भी बचेंगे ना, तो अगर बरकत वाले होंगे ना, तो यकीन करें इतना आपको मज़ा आएगा ना, आपको खुशी होगी कि भाई मुझे एक अमाउंट जो है ना वो 1,00,000 के बराबर होगी। और अगर आपने ऐसी भी 1,00,000 रुपये कमा लिए और आपके उसमें बरकत नहीं हुई, तो फिर वो फ़ायदा नहीं है। तो भाई ये कि साथ खैरियत से चूज़े पालने वाली दुआएं किया करें, इसके अलावा ये कि ट्रस्टेड बंदे से चूज़ा लें, हम आपको ये नहीं बोलेंगे हमसे चूज़ा लें, कहीं से भी ले लें, ट्रस्टेड बंदों से लें, जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट है तो उनसे लें, या कोई आपके जानने वाले हैं, या कोई भी आपके अगर आपको अंधाधुंध किसी के ऊपर भी भरोसा है तो आप उससे ले लें, हमारा कोई मसला नहीं है। क्योंकि हम जो है, अगर आप बोलेंगे तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, अगर आप बोलेंगे तो हम, कोई मसला नहीं है, आप कोई और से ले लें, ऐसी बात नहीं है। बाकी कंसल्टेशन की फ़ीस जो है ना, वो कोर्स की फ़ीस मैंने बता दी है आपको, 2,000 रुपये की आपको कोर्स पड़ जाएगा हमारे रेफरेंस से जो भी जाएगा। तो यही है कि अगर आप लोग लेना चाह रहे हैं तो जल्दी से अवेल कर लें, बकरा ईद तक की ऑफ़र है। ऐसा ना हो ना भाई कि बाद में जो है वो रेट ऊपर हो जाएंगे, डिमांड माशाल्लाह से भरपूर आ रही है, भरपूर। तो ये है कि अब तो रेट भी ऊपर हो गए, प्रिंटेड की चीज़ें भी महंगी हो गई हैं, इसके अलावा ये है कि जब टैपिंग करवाते हैं तो उसके भी चार्जेस जो है ना वो एक्सपेंसिव हो गए, क्योंकि डेली जो है ना वो चीज़ें जो है ना अपग्रेड हो रही हैं कोर्स के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी हमें भी एडवांस करनी है, तो पे जो है हम भी कर रहे होते हैं, तो ये कि जो कॉस्ट आ रही होती है उसी हिसाब से आपको बता रहे हैं सारी चीज़ें। और इसमें ऐसा नहीं है कि हम आपको 2,000 रुपये में जो कोर्स दे रहे हैं उसमें हमें बहुत पैसे बच रहे हैं, 200-300 रुपये बचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ये है कि भाई आपको हमने बता दिया कि किस तरीके से कोर्स आपको अवेल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपके वाली वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।